गांव के माननीय ग्रामीण मुंडा दीपक बोधरा जी बिल्कुल नेक इंसान है, अपनी जिम्मेवारी को हमेशा निभाते हुए आए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तीन दहाड़े लोग उनके आवास में आकर के उनके घर के समीप में ही तातीदाना हमला करना विधि व्यवस्था को शर्मसार करने वाली। कोई भी ये सोच सकता है जब रोड किनारे, शहर के किनारे, जहाँ पर सुबह शाम पीसीआर की गाड़ी आना जाना करती है अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए, उसके बावजूद भी दीपक जैसे नेक इंसान पर, एक जिम्मेवारी व्यक्ति पर, एक मुंडा पर कातिलाना हमला करना, एक संवैधानिक पद पर अपने निर्वाण करते हुए इस तरह की घटना उनके साथ हुई है, बिल्कुल निंदनीय है। आज हम लोग ने, यानी कि कल ही हम लोग सेकंड पाली में एसपी साहब से बात किए कि साहब यदि हम लोग चुपचाप रहेंगे तो मैं खुद अपने ग्राम कोटसोना गांव का ग्रामीण मुंडा हूं और मानकी मुंडा का महासचिव, यदि हम लोग किसी तरह के एक्शन नहीं लेते हैं तो लोग हमारा हंसी उड़ा रहे हैं। तो आपको ये जिम्मेवारी देते हुए कि आप अपने अपना काम कीजिए, लेकिन हमें भी अपने दायित्व को निभाने का अवसर दीजिए। तो आज की घटना के पहले हम लोग ने व्हाट्सएप के माध्यम से रात को ही उपायुक्त पुलिस अधीक्षक महोदय पश्चिमी सिंहभूम को सूचना दी है। उन्होंने मामूली घटना नहीं, रात बिरात में होती तो भाई ये आके चला गया, मार के चला गया, ये घटना होती तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि भाई दोषी दार को गिरफ्तार करे, उनको अरेस्ट करे। हम इसी बात पर संतुष्ट। सबसे बड़ी बात यह है घटना जो मिना इतना उड़ोखड़े के घटमा कान होगा जी। जब तक पुलिस प्रशासन मार्चिंग कर रहे कौन किन गोली किन चलाओ कि ना इनकिन सब किन है इन दो अब निंतार को तुम अपर गा कानो जो दो दिन बाद उड़ो बने लिया का बहुत ना सबसे पुरे ते पुरे बुजू दुर्कना चिनाची तलाबू प्रशासन आश्वासन का बाबू है, लिखित रूप से सबूत का बाबू है, बारसिंग भीतर राजे सभी बाबू तिसिंग मी सिंह मिंतार बुटाइने आयुम कर पुलिस प्रशासन नोस पे आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन नोस पे आओ, होश में आओ, होश में आओ।